हाय हेलो, आ गया 6.1 कंप्लीट हो गया था। 6.2 के भी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, थ्योरम कंप्लीट किया था, याद होगा? नहीं याद हो तो पीछे मुड़ के देख लेना। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें इसके 3 पार्ट्स है। हमें कुछ वैल्यू गिवेन है और पूछ रहा है कि वो पैरेलल होगा या नहीं। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। दैट मीन्स वी हैव गिवेन अ फिगर हियर पी क्यू आर। कोई हमारा ये डी ई एफ सॉरी ई एफ गिवेन है। ई एंड एफ 2 पॉइंट्स हैं। ई एंड एफ हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखा है और शो करना है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के बराबर नहीं। पहला कंडीशन, वी हैव गिवेन पीई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 एंड एफ आर इज इक्वल टू 2.4। आपको क्या करना है, पीई अपॉन ई क्यू अपॉन ई क्यू फाइंड आउट करना। दैट मीन्स 3.9 अपॉन 3, कटिंग करेंगे 1, 1.3, दिस इज इक्वल टू 1.3 अपॉन 1। अब इसकी में पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4, 12 2 जा 12 3 जा, दैट मीन्स 3 अपॉन 2। हैंस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2, सो ई एफ जो है ना वो नॉट पैरेलल, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ये हमारा पहला कंडीशन शो हुआ। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है इसके 3 पार्ट्स हैं, यानी कि यू समझिए कि 3 क्वेश्चन है, फिगर हम एक ही रखते हैं। हमें गिवन है पीई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, क्यूई इज इक्वल टू 4.5, क्यूई इज इक्वल टू 4.5, पी एफ इज इक्वल टू 8 एंड आर एफ इज इक्वल टू 9। सेम रूल पीई अपॉन क्यूई, पीई अपॉन क्यूई, ये वाला पोर्शन पीई अपॉन क्यूई वो हमारा क्या होगा 4 अपॉन 4.5, 4 अपॉन 4.5। ये कटिंग होने का कोई भी संभावना है ही नहीं। अगर हम पॉइंट को हटाएं तो यहां पर हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, पॉइंट हटेगा, 9 से करेंगे, 5 2 जा 9 5 जा, दिस इज इक्वल टू 4 2 जा 8 अपॉन 5। ये हमारा सॉरी 5 से कटेगा, 5 2 जा 5 9 जा 9 होगा यहां, 8 अपॉन 9। अब हम लोग चेक करेंगे किसको, पी एफ अपॉन आर एफ इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो ये 8 अपॉन 9, तो इसको कटिंग तो कर ही नहीं सकते, लिखेंगे क्या, हैंस 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9, बोथ आर इक्वल, सो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में ये जो गिवन है इसमें हमारा ये पैरेलल मिला।
थर्ड पॉइंट आपसे कह रहा है, यू हैव गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 1.28, पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। हमें पी क्यू गिवेन है, पूरा गिवेन है, और पी आर गिवेन है, ये भी पूरा गिवेन है, इसमें पी ई गिवेन है, तो ये क्या होगा, पी ई अपॉन पी क्यू निकालेंगे, पी ई अपॉन पी क्यू, ये पी ई अपॉन पी क्यू, तो ये क्या होगा, पी ई हमारे पास है 0.18 अपॉन 1.28, डेसिमल दोनों का एक समान है तो कैंसिल। अब कटिंग हो सकता है, 18 है हमारे पास और दूसरा है 128, कटिंग करें तो हमें क्या मिलेगा, कटिंग करने के बाद हमें जो मिलेगा वो देखते हैं क्या मिलता है, दो से कटिंग कर दो भाई, और तो कोई कटिंग तो दिख नहीं रहा, ये केबल और केबल टू से कटिंग हो रहा है, पी क्यू को हमने लिया है ऊपर, तो ये कटिंग कीजिए, ये होगा 6, 4, ये कटिंग होगा 9, दैट मीन्स 9/64। अब हम लोग पी एफ अपॉन पी आर लेंगे, पी एफ अपॉन पी आर दिस इज इक्वल टू, पी एफ है 0.36 अपॉन पी आर हमें है 2.56, यहां भी दो डिजिट, तो ये डेसिमल कैंसिल। अब इसको कटिंग करके देखें तो ये भी हमारा कटिंग हो सकता है, हम इसको कटिंग करें तो ये 2 से 4 से हो रहा है, 4 9 36, 4 6 4 4, दैट मीन्स 9/64, तो ये क्या मिला हमें, हेंस पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, सो ई एफ पैरेलल क्यू आर, मतलब दो कंडीशन में हमारा पैरेलल हुआ और एक कंडीशन में पैरेलल नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा संभावना है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में, 2 या इसकी वैल्यू होती है, 2, 3 नंबर, 3 नंबर में भी कई बार आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गिवन फिगर है, इन गिवन फिगर, तो पहले फिगर बना लें, ए बी सी और ए बी डी दो ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी और ए सी डी, ये दो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में हमें दे रखा है एल एम इसके पैरेलल, और सेम पॉइंट से इसके पैरेलल, दिस पॉइंट इज योर एल एम एन, ये हमें ऑलरेडी फिगर में गिवन है, हमें गिवन है तो इसमें लिखेंगे बेटा गिवन एल एम, ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है एल एम पैरेलल बी सी, एल एम पैरेलल बी सी एंड एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी, ये हमें गिवन है, तो और प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये हमें प्रूफ करना, आइए हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं।
इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम पैरेलल बी सी सो ए एम अपॉन ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये दोनों होगा। अब देखिए इन ट्राइंगल, अब लेते हैं नीचे वाला ए डी सी एल एन पैरेलल सी डी सो ए एन अपॉन ए डी मस्ट बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी बाय। अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड ले लेते हैं, बीपीटी हमारा ये भी बता रहा है। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी यानी कि आर एच एस अगर इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आर एच एस अगर इक्वल है तो ए ये भी इक्वल होगा, तो दैट मीन्स ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी प्रूव। वाई इन अ इक्वेशन इफ आर एच एस आर इक्वल देन देयर एल एच एस इज ऑल्सो इक्वल, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब इस एक्सरसाइज में कुल मिला के करीब 10 क्वेश्चंस हैं और ये 10 के 10 हमें सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट। 4 से अगले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑन करके रखना होगा, क्योंकि ज्यों ही वीडियो अपलोड हो आपको मिले और आप फटाफट करते जाए। इंतजार कीजिए, तब तक बाय।